हेलो, आज है 15 फरवरी और आज है मेरी जीजी का बर्थडे और हम लोग गए सहारा। जीजी को शॉपिंग करनी थी, कुछ मुझे भी ख़रीदना था, तो हम लोग गए सबसे पहले सहारा। और यहाँ पे ये जो आगे चल रहे हैं ये हैं जीजी और जीजू और पीछे थी मैं। तो हम लोग गए सहारा मॉल, सबसे पहले गए हम पैंटालून। ये देखिए, मैं आपको जीजी से मिलवा रही हूँ। इस वक्त हम हैं पैंटालून सहारा गंज में और मैंने आपको यहाँ जीजी से मिलवाया। जीजी को जीन्स लेनी थी, यहाँ से जीन्स ली और क्रॉस से। देन उसके बाद मैं बैगेट के हैंड बैग्स देखे, देन बिलिंग कराए, उसके बाद हम बाहर गए। पैंटालून में ऊपर एक फ्लोर है, हम ऊपर नहीं गए। उसके बाद में पैंटालून से निकले तो बाहर मोर के आगे अंदर वाले ग्राउंड में थे, लोटस से लिया यहाँ से। इसके बाद में हम फिर ऊपर वाले फ्लोर पे गए, हम लोगों को जाना था सेंट्रल। सेंट्रल के बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं FBB। इसके बाद में यहाँ जीजी ने जीन्स देखी और जो अच्छी भी लगी और पसंद भी आई यहाँ से ली। ये मैं हूँ, मैं आप लोगों से हेलो बोल रही हूँ, जीजी जीन्स देख रही है। इसके बाद में हम लोग आगे चले। टॉप कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन एक आया था, ये ग्रीन वाला भी आपको दिखेगा। ये जैकेट थी, स्वेट शर्ट थी, ये समर में समर कलर था, समरी कलर था और बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये ली हमने। इसके बाद में हम आगे चले। ये नवरस में कुछ कुर्तीज़ लगी हुई थी तो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन ये ग्रीन वाइट जो क्रीम कलर का था ये हमने लिया, ये बहुत अच्छा था। स्मॉल फ्रॉक कुर्ती टाइप का था, ये स्मॉल फ्रॉक थी जीन्स के ऊपर जो पहनी जाती हैं, लॉन्ग फ्रॉक नहीं थी, स्मॉल थी, बहुत ज़्यादा टाइनी स्मॉल। उसके बाद में ये नवरस लगा हुआ था, नवरस और सृष्टि की यहाँ सारी कुर्तियाँ लगी हुई थी, इनमें से नहीं लिया। यहाँ से ली बेल्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, बिलिंग करा ली हम लोगों ने, तो हम लोग फिर आगे चले। जीजी पीछे रह जा रही थी, कुछ कुछ देखते हुए आ रही थी। यहाँ पर टी शर्ट देखी, देखा देखेंगे, अच्छा नहीं था, इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं थी, किसी ने पांच कलर था तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद में हम लोगों ने बिलिंग कराई। आफ्टर बिलिंग हम लोग बाहर की तरफ चलने लगे। बाद हम गए ओनली में, ओनली से निकलकर हम कवर स्टोरी में गए, यहाँ पर कुछ देखा, देन फिर हम इसके बाद में हम बाहर निकले और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने से पहले हम खाएंगे स्वीट कॉर्न, तो चलिए। बन रही हैं सबके लिए स्वीट कॉर्न ग्लासेस। इसके बाद में हम बाहर की तरफ चलने लगे। हमारा मॉल कुछ ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, बट इतना भी खाली नहीं था। बाद में कॉर्न खाते हुए हम लोग बाहर की तरफ चले। बाहर की तरफ जाने से पहले हम गए फॉरएवर 21, यहाँ से कुछ परचेज किया। यहाँ पर टॉप और जीन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। फॉरएवर से निकलने के बाद हम एग्ज़िट गेट से बाहर की तरफ निकल आए और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आगे जीजी और जीजू हैं और ये हूँ मैं। बाहर बहुत सुंदर था क्योंकि यहाँ पर ना फ्लावर्स थे, आपको भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लावर थे और ये सब रियल थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और रात का व्यू था तो बहुत ही खूबसूरत। ये रहे जीजी जीजू। के बाद में हम आगे की तरफ बढ़े। ये है सहारा मॉल इन लखनऊ। देन इसके बाद में हम लोग चले पार्किंग की तरफ, गाड़ी जो हाँ जहाँ पर खड़ी थी जीजू की। हम लोगों को अंडरग्राउंड पार्किंग में नहीं जाना पड़ा क्योंकि ऊपर ही जगह बहुत खाली थी, स्पेस था, क्योंकि 14 फेब को बहुत भीड़ थी और 15 फरवरी को खाली था। उसके बाद में हम लोग गाड़ी में बैठ के निकले। तो ये लौटते वक्त अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद में हम घर जाने के बाद में हम लोग जाएंगे डिनर को, डिनर करने, सभी फैमिली पूरी की पूरी डिनर करने जाएगी। और डिनर करने हम लोग जाने वाले हैं रॉयल कैफ़े। तो जो लोग लखनऊ के हैं वो लोग जानते होंगे कि रॉयल कैफ़े क्या है और कहाँ है।
बाद हम लोग पहुंचे रॉयल कैफे, ये रही जीजी और जीजू और ये रही मैं। हैप्पी बर्थडे। हम आए हैं जीजी के बर्थडे पर डिनर करने और जीजी बहुत बिजी है। लोग बस खाने का वेट कर रहे थे, किससे भी रहा नहीं जा रहा था, तो हम पहुँचे। देन उसके बाद खाना आ गया, तो यहाँ पे बटर नान थी, पनीर था कढ़ाई पनीर, अरहर की दाल थी, तीन तरह का रायता था और ये देखिए सब्जी। आफ्टर डिनर हमने खाई यहाँ पर स्वीट डिश, तो मैंने खाई थी रबड़ी। आज है जीजी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, सभी लोग विश करो हैप्पी बर्थडे टू मी। यहाँ पर बैठी हैं फेरू और ये देख रही हैं बाहर की तरफ, ये यहीं पर बैठी रहती हैं, सोकर आई हैं अभी अभी, और जब इनका मन होता है तो खेलती हैं, जब इनका मन नहीं होता तो ये काट लेती हैं और बैठ जाती हैं देखने, कभी बाबू बाबू करने लगती हैं। अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर बैठी हैं। फेरू फेरू और ये रही मैं। हेलो सभी लोग, कैसे हैं? हाय हाउ आर यू? और सभी लोगों को मेरा हेलो नमस्ते। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फेरू यहीं पे बैठी है और मैं भी यहीं बैठी हूँ। शाम का बजा है 5 और अभी अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, चाय पीऊँगी। जीजी की तबीयत ख़राब है आज, क्योंकि उनको सर्दी लग गई है और 2 दिन पहले उनका बर्थडे था, तो शायद मे बी नज़र भी लग गई हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर तो चली गई और मेरा हाथ अभी ठीक हो गया है। हम लोग गए थे 2 बर्थडे वाले दिन हम लोग गए थे मॉल, मॉल में जीजी को कुछ लेना था, मतलब शॉपिंग के लिए गए थे, तो जीजी ने कुछ कुछ ख़रीदा, जीन्स लेनी थी और भी बहुत कुछ ख़रीदा, तो हम लोग सब लोग गए थे, मैं भैया जीजी तो हम सब लोग गए थे। और एक अच्छी बात कि आज मेरी, अभी मेरी मम्मी से घर पे बात हुई थी, तो आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मेरी बुआ जी आई हैं घर पे, कार्ड वार्ड देने आई हैं, शादी है वहाँ पर, तो 23 तारीख का वहाँ पे तिलक है, रोकना बोलते हैं जिसको, वो है, और 28 तारीख की शादी है, तो बुआ जी आई हैं, फूफा जी आए हैं, तो ये है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मम्मी का भी फ़ोन आया दोबारा से, तब मेरी बात हुई, तो बुआ अभी घर पे हैं, किसी काम से बाहर गई हैं, अभी भैया के साथ जाने वाला है, और उनके साथ आई हैं शिवानी, मतलब हैं बुआ जी की बेटी है ना, तो बेटी की बेटी, यस आई हैं, तो वो आई हुई हैं घर पे, एंड शी इज़ ऑल्सो माई सब्सक्राइबर, बट उनको पता नहीं है कि हम यहाँ हैं, अब तो पता चल गया होगा कि मैं यहाँ हूँ। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जैकेट पहन रखी है, इतनी ठंड है क्या? यस, कल से यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी ठंड बढ़ गई है, रात में बहुत ठंड थी। एंड एक बात और, ये अच्छी नहीं है और अच्छी नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अभी जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया, और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरा, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और उनका क्वालिफाइड हो गया, और उनमें से एक मेरी भाभी भी हैं, ज्योति भाभी हैं मेरी, जो नोएडा रहती हैं, जो कभी कभी आती हैं, नंदू की मम्मी, उनका क्वालिफाइड हो गया है और मेरा नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया, तो उन लोगों को बधाई हो जो लोगों का क्वालिफाइड हो गया है, और बहुत अच्छी खबर है, बट मेरे लिए नहीं थी क्योंकि मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बट ये है कि मुझे जॉब, हाँ बहुत सारे लोग मुझे, एक कमेंट आता है मेरे लिए कि आप जो भी एग्ज़ाम देती हूँ उसका उसका आता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए हो जाएगा तो आप लोगों को सबसे पहले पता होगा, मतलब सबसे पहले खबर पता चलेगी ना, बट जब नहीं होता है तो मन नहीं करता, मतलब क्या बोले उसको, ये है। हो जाएगा तो हम आपको पहले से ही खुद ही बता देंगे, बट मेरा मेन जो मेरा वो है, मुझे जो चाहिए, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब,
और क्योंकि प्राइवेट जॉब तो मैं आज कर लूँ, बट मेरा मन नहीं करता है, मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि एक अंदर से नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। प्राइवेट तो मैं मुझे आज मिल जाएगी। और रहा टीचिंग का, टीचिंग मुझे पसंद है, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा से मैंने पढ़ाए हैं। और मैं चाहती हूँ अगर मैं टीचिंग लाइन में भी जाऊँ तो मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ, नॉट प्राइवेट, क्योंकि मुझे ना, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो मेरा बड़ा दिली तमन्ना है कि मैं एक गवर्नमेंट, मेरे पास जॉब हो, तो मेरे मतलब मुझे ऐसा ही लगता है। तो मैं क्या बोलूँ, टाइम टेकन प्रोसेस तो सारी होती हैं, आप लोग भी इसमें से जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ को टाइम लगता है। तो ये है कि मुझे ना नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट चाहिए, मतलब मेरा ये है थोड़ा सा। और एक चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि पढ़ाई करो या पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ाई का लास्ट में रिजल्ट क्या होता है, कि हम कहीं पे सेटल हो जाए, हमारी जॉब लगे या हम अर्न कर ले करने लगें, तो वही है। पता, बाहर इतनी तेज़ हवा चलने लगी है, बहुत तेज़, कल से ठंडी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। अभी मैं बनाऊंगी चाय, और सुबह से नहीं आई थी जीजी की काम वाली, अब आई हैं वो, तो बस अभी हम लोगों ने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है, क्योंकि घर बहुत गंदा पड़ा था, किचन बिल्कुल साफ ही नहीं था, सारे बर्तन बाहर आ जाते हैं अगर जीजी की काम वाली नहीं आती हैं तो, इतना बर्तन हो जाता है। कल से नहीं आई हैं वो, तो कल रात का बर्तन, मॉर्निंग नाश्ता, और फिर बहुत बर्तन हो गया। अब आई हैं, अब कर रही हैं। मेरी अम्मा ठीक हैं, रेस्ट कर रही हैं, आराम कर रही हैं। बुआ जी भी मेरी बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, आप लोगों को पता ही है कि मेरी बुआ 76 ईयर ओल्ड हैं, और मेरी अम्मा जी का आपको पता ही है, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं वो। बस जब वो, अब वो चल नहीं पा रही हैं, तो हमको, मुझे बहुत कष्ट होता है। और मेरे होंठ में ना यहाँ पे चोट लग गई है, सच्ची में बताऊँ क्या हुआ, रात में मैं फ़ोन चला रही थी। अब फ़ोन किस 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 हमेशा सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि फ़ोन चलाते चलाते ना इतनी तेज मुंह पे गिरता है कभी कभी, कि बाप रे बाप, मेरा ये ऊपर वाला होंठ ना सूज गया था, यहाँ से अंदर से कट गया, इतनी तेज गिरा था, मतलब खड़ा फ़ोन ऐसे करके ऐसे गिरा था, तो यहाँ पे गिर गया था, बहुत तेज चोट लगी मुझको। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा ढंग से रहें, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो सभी लोगों को खांसी और जुखाम और गले में दिक्कत हो रही है। तो बी केयरफुल, अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए, ख्याल रखिए सभी लोग। और आप लोगों को शॉपिंग देखने को मिलेगी कि मैंने क्या ख़रीदा या जीजी ने क्या लिया। एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरे किचन वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अंशु की किचन। दूसरा, अगर आपने मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें, पेज का नाम है अंशु की किचन, ठीक है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी जो अकाउंट है इंस्टा पे, वो इंडियन यूट्यूबर अंशु के नाम से है, तो आप उसको सर्च करें और उस पर मुझे फॉलो करें, ये मुझे आप लोगों से कहना था। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, वरना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और फिर शिकायत आती है आपको कि हमें आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता या कुछ भी नहीं मिलता। तो आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर उजाला बहुत आ रहा है, तो इसलिए आपको मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़, नीट एंड क्लीन लग रहा है। क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना चमक रहा है उजाले की वजह से। कोई बात नहीं।